बहुत धन्यवाद देता हूँ सर। मैं आज देख रहा हूँ कि जिस तरह सरकार हम लोगों को शोषण कर रही है, ये बहुत घोर अन्याय हो रहा है। अब तो बर्दाश्त के हद के बाहर हो चुका है। मैं बार बार इस चीज को कहता हूँ कि सभी संगठन एक होकर के, एक मंच पे आकर के, एक अपना जो है लक्ष्य बना लो कि हमें शिक्षा जो, जैसे कि प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, प्राइवेट आप सरकार करने जा रही है, कुछ भी कर रही हो, लेकिन हमारा जीवन तो अभी अंधेरे में है पूरी तरह से। हम अभी जिस माँ बाप ने हमको पाल पोष के बड़ा किया, चार बच्चे हम लोग, हमारे चार भाई हम बहन, चार भाई एक बहन, हमारे माँ बाप ने कैसे पढ़ाया लिखाया मैं जानता हूँ, कितने कष्ट झेल करके हमें पढ़ाया है, और हमारी आज ऐसी उम्र हो गई कि हमें नौकरी अभी तक नहीं मिली। तो मैं सरकार से इतना ही निवेदन करूंगा कि आपके पास जितने भी शिक्षा मित्र हैं उनका इस जो सम्मानजनक कम से कम वेतन दे दीजिए, जिससे कि परिवार हमारा चल सके। सर मैं अपना एक अभियान चलाया है, मैं स्कूल स्कूल जा करके, ये हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जिनके विचार आज भी पूरा भारतवर्ष अगर उसको अपने विचार में, अपने कर्म में उतार दे तो व्यक्ति महान बन सकता है। जिस महापुरुषों ने हमको आजादी दी, भगत सिंह ने दी, महात्मा गांधी ने दी, आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो था जयंती, एकता एकता के सूत्र में बांधा, तो हम चाहते हैं कि हमारे शिक्षा मित्र भाइयों कि आप भी एकता की मिसाल बनिए। और मैं स्कूल स्कूल जा करके प्रत्येक स्कूल में जा रहा हूँ, ये मेरा अपना संकल्प है। मैं लगभग 150 स्कूलों में प्रत्यक्ष रूप से जा चुका हूँ और महात्मा गांधी की फोटो दे रहा हूँ कि आप सौगंध है महात्मा गांधी जी के, राष्ट्रपिता जिन्होंने हमको देश की आजादी दिलाई। किस लिए आजादी दिलाई? कि हम इस प्रकार जो अपना जीवन, आने वाले भविष्य में सरकारें हमारे पास इतना शोषण करेंगी, इतना अत्याचार करेंगी, हमारे बापू जी का इतना अपमान होगा अगर आज जिंदा